कोर्ट में लगाया, अभी आपके सामने रत्नाकर जी ने बताया कि दो बातें जो इसमें लिखी है, धर्म निरपेक्ष और समाजवाद, उसको हटाने के लिए काम किया जा रहा है। उसको हटाने के लिए काम किया है क्योंकि धर्म निरपेक्ष अगर है तो ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। बन सकता है क्या? अगर ये देश में इस किताब के अंदर धर्म निरपेक्ष लिखा हुआ है तो देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। और ये भी आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में ये पावर नहीं है कि संविधान में लिखी किसी बात को मिटा दे, है क्या? नहीं है ना। जबकि इस देश की सरकार चलती है तो बाबा साहब के संविधान से चलती है। चलती है कि नहीं चलती? इस देश का संविधान इतने ताकतवर है, जिस देश का मुख्यमंत्री काम करता है तो बाबा साहब के संविधान से काम करता है, जिस देश का प्रधानमंत्री काम करता है तो बाबा साहब के संविधान से काम करता है, जिस देश की संसद हो चाहे हो विधानसभा हो चलने का काम करती है तो बाबा साहब के संविधान से करती है, जिस देश का सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट है वो चलने का काम करता है तो बाबा साहब के संविधान के अनुरूप करता है। और आज ये लगाया गया लिफ्ट कि संविधान में लिखी बातें सुप्रीम कोर्ट बदलेगा, तो मेरी समझ से तो ये पावर सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। लेकिन ये भ्रांतियां फैलाई जाए आपके बीच में, हमारे बीच में, ये धीरे धीरे उनका स्लो पॉइजन है कि आप सबको धीमे धीमे देना शुरू कर दें और आप सब लोग उसमें पारंगत हो जाइए और धीरे से एक दिन ये हमारे संविधान को बदल। इसलिए मैंने कहा कि 2023 की जंग हमारे लिए अहम है। झारखंड में क्या हुआ, एक आदिवासी बच्चे को ट्रक में बांध के खींचा गया, 40 किलोमीटर तक खींचा गया और 40 आप यहां से विधायक बना करके भेजेंगे और बहन इंद्र बंजारे दोबारा उधर रायपुर पहुंचेगी, हमें पूरा आशा विश्वास है। और रही बात राजनीति की, मैंने कहा राजनीतिक पार्टी भी हम लोग, लेकिन राजनीति हमारी अलग है। आप सब जानते हम इस देश में गंदी राजनीति नहीं करते, हम राजनीति में राजनीति नहीं करते, हम राजनीति करते हैं सत्ता के। और सत्ता किस लिए चाहिए? सत्ता चाहिए हमें अपने बहुजन समाज के उत्थान के लिए, हम उनका उत्थान करना चाहते हैं, हम उन पर हो रहे अत्याचार को खत्म करना चाहते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनको बच्चों को डिप्टी कलेक्टर IAS IPS पढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए हम सत्ता चाहते हैं। हम सत्ता इसलिए चाहते हैं। और दूसरी पार्टियां क्या चाहती है? और दूसरी पार्टी सत्ता किस लिए चाहती है? दूसरी पार्टी धरना सेठों की तिजोरी भरने के लिए सत्ता चाहती है। हमारी और